इंदौर में नवरात्रि के समापन के साथ ही कन्या पूजन का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। विधानसभा 3 के चीमन बाग मैदान पर होने वाले इस भव्य आयोजन में 10,000 से ज्यादा बालिकाओं का पूजन किया जाएगा। संस्था कर्तव्य के बैनर तले हो रहे इस पुनीत कार्यक्रम की बागडोर बीजेपी नेता और आईडीए के पूर्व उपाध्यक्ष ललित पोरवाल संभाल रहे हैं। पोरवाल ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 10,000 से ज्यादा कन्याओं के वंदन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सुकन्या योजना के खाते खुलवाए जाएंगे और बालिकाओं के पूजन कर उन्हें पासबुक प्रदान की जाएगी। कल ठीक शाम को 5 बजे चिमन बाग मैदान पर लगभग 4,000 से अधिक कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में संस्था कर्तव्य के नेतृत्व में बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे इस संस्था के संयोजक भाई जगदीश धनेरिया जी, मैं इस आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में इस आयोजन को कल प्रारंभ हो रहा है। और इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम प्रत्येक बच्ची को 1100 रुपये भेंट स्वरूप उसका खाता खुलवाकर और उस बच्ची को कल भेंट के रूप में दिया जाएगा, उनका पूजन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में सभी समाज और वर्गों की बालिकाओं को सुकन्या योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। विधानसभा 3 के अंतर्गत आने वाले रहवासी क्षेत्रों से इन बालिकाओं का चयन किया गया है और उपहार स्वरूप उनके खाते में 1100 रुपए की राशि भी जमा की जा रही है। परम पूजनीय महर्षि ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी महाराज के आशीर्वचनों के बाद यह कार्यक्रम उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना जारी की है। उस योजना के अंतर्गत यह पूरे देश में अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है कि प्रत्येक कन्या का पूजन करने के बाद उन्हें 1100 रुपये की राशि। इस कार्यक्रम में संत श्री उत्तम स्वामी महाराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही महापौर मालिनी गौड़, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कृष्ण मुरारी मोंगे और अल्पसंख्यक आयोग के कमाल भाई भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।